नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। भारत सरकार के टीकाकरण सर्टिफिकेट को 5 देशों से मिली मान्यता, 36 देशों की यात्रा अब हुई आसान। भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को 5 और देशों ने मान्यता दी है। इससे पहले 30 देशों की यात्रा आसानी से की जा सकती थी। एस्टोनिया, फिलिस्तीन, किर्गिस्तान, मॉरिशस और मंगोलिया भी अब इसे शामिल हो गया है। अब कुल 36 ऐसे देश हो गए हैं जहां भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता दी गई है। इस बात की जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागजी ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। वहीं अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। कोवैक्सीन की डोज जिस किसी ने लगा लिया है वो अब ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकता है। दुनिया के 36 देशों में भारत के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को मान्यता दी गई है। भारत सरकार द्वारा दिए गए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर इन देशों में जाना मुश्किल है। बिहार के लोगों को डबल राहत, पेट्रोल 8.20 रुपये और डीजल 13.90 रुपये हुआ सस्ता। केंद्र सरकार द्वारा लोगों को दीपावली पर पेट्रोल डीजल के दामों में राहत देने के फैसले के बाद अब बिहार सरकार ने भी लोगों को दिवाली गिफ्ट दे दिया है। नीतीश सरकार ने राज्य स्तर पर वैट की दरों में कमी कर लोगों के लिए डीजल में 3.90 रुपये और पेट्रोल में 3.20 रुपये प्रति लीटर राहत देने का बड़ा फैसला किया है। नीतीश सरकार के इस बड़े फैसले के बाद बिहार के लोगों को अब पेट्रोल 8.20 रुपये और डीजल 13.90 रुपये सस्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका आधिकारिक ऐलान अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में राहत देने के निर्णय के बाद राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर वैट की दरों में कमी कर लोगों के लिए डीजल में 3.90 रुपये एवं पेट्रोल में 3.20 रुपये प्रति लीटर की अतिरिक्त राहत देने का निर्णय लिया गया है। जानकारी हो कि केंद्र सरकार ने बुधवार की रात लोगों को दिवाली गिफ्ट दिया। दिवाली से एक दिन पहले यानी कि छोटी दिवाली को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी करने का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी अपना मुनाफा कम करने का आग्रह किया था, जिसके बाद बीजेपी शासित 9 राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाकर लोगों को राहत का ऐलान कर दिया है। लालू की तबीयत बिगड़ी, राबड़ी तेजस्वी के साथ दिल्ली गए, कल हो सकती है मेडिकल जांच। उपचुनाव के दौरान दिल्ली से बिहार आए लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। लालू यादव अचानक से दिल्ली रवाना हो गए हैं। लालू के साथ तेजस्वी यादव भी दिल्ली गए हैं। कल दिल्ली में उनकी मेडिकल जांच हो सकती है। लालू यादव अचानक पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं। लालू दिवाली के मौके पर पटना में ही रुकने वाले थे, लेकिन कल उनकी तबीयत खराब दिख रही थी। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव किडनी और हार्ट की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। दिल्ली एम्स के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। लालू का पहले ही ओपन हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है। किडनी की हालत ठीक नहीं होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें एक दिन में सिर्फ एक ग्लास पानी पीने की सलाह दे रखी है। लालू चारा घोटाले मामले में जेल से रिहा होने के बाद भी दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर रह रहे थे। पिछले 24 अक्टूबर को वे दिल्ली से पटना आए थे। लालू यादव उपचुनाव में प्रचार के लिए तारापुर और कुशेश्वर स्थान भी गए थे। हालांकि उनके शरीर पर बीमारी का असर साफ साफ दिख रहा था। पटना सिटी में 50 लाख की शराब जब्त, शराब माफिया मौके से फरार। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद लोगों की शराब से मौतें हो रही है, वहीं शराब भी बरामद किए जा रहे हैं। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। एक कंटेनर से शराब को ऑटो में अनलोड किया जा रहा था, तभी किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी की और हरियाणा निर्मित 347 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया है। पुलिस ने एक कंटेनर, 2 ऑटो और 1 कार को जब्त किया है। वहीं इस दौरान पुलिस को चकमा देकर शराब माफिया और जब्त गाड़ियों का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जब्त की गई शराब की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। आश्चर्य की बात यह है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद शराब माफिया बैकहॉप शराब के धंधे में लगे हैं। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र स्थित बिग बाजार के पास कंटेनर में शराब की बड़ी खेप को लाया गया था। कंटेनर से शराब ऑटो पर लोड किया जा रहा था, जिसे अन्य इलाकों में भेजने की तैयारी थी। तभी किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और 50 लाख की विदेशी शराब को जब्त कर लिया।
तिहार में शराब से मौत पर तेजस्वी ने पूछा सवाल, इन मौतों की जिम्मेवार क्या नीतीश सरकार नहीं है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद 24 घंटे के भीतर 8 लोगों की मौत हो गई है। शराब से हुई मौत से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। गोपालगंज में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बेतिया में 8 लोगों की संदिग्ध मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई गंभीर मरीजों का इलाज अस्पताल में जारी है, वहीं कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। बिहार में शराब से लोगों की हुई मौत पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि मुजफ्फरपुर में 5 दिन पूर्व जहरीली शराब से 10 मरे, कल और आज गोपालगंज में 20 लोग मरे, बेतिया में आज 13 लोग मरे, अधिकांश शवों को पुलिस बिना पोस्टमार्टम जला रही है। इन मौतों के जिम्मेवार क्या शराबबंदी का बेसुरा ढोल पीटने वाले मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री नीतीश कुमार नहीं है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर यह भी लिखा है कि उपचुनाव में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सह पर उनके मंत्रियों और पुलिस प्रशासन ने स्वयं मतदाताओं के बीच शराब वितरण किया, इस बात की शराबबंदी, इन मौतों का जिम्मेवार कौन है। बिहार में 20,000 करोड़ की अवैध तस्करी और समांतर ब्लैक इकोनॉमी के सरगना सामने आकर इसका जवाब दे। पेट्रोल के बाद अब बिजली होगी सस्ती, टैरिफ और स्लैब में बदलाव पर विचार कर रही है नीतीश सरकार। पेट्रोल पर वैट कम करने के बाद बिहार सरकार अब बिजली के टैरिफ और स्लैब में बदलाव पर विचार कर रही है। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऊर्जा विभाग आने वाले दिनों में बिजली बिल की दर में कमी की घोषणा कर सकती है। विभाग इस मसले पर बिजली कंपनियों पर बात कर रही है। टैरिफ और स्लैब में बदलाव के लिए सरकार बिहार विद्युत विनियामक आयोग की सहमति लेने का प्रयास कर रही है। ऊर्जा विभाग के सचिव सह CMD संजीव हंस ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अभी 90 श्रेणियों में टैरिफ है, हम लोग इसको कम करके 3 दर्जन तक लाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे बिजली दर की असमानता दूर होगी। इसके अलावा 5 स्लैब की जगह 3 स्लैब करने पर भी विचार चल रहा है। एक दर होने पर उपभोक्ता आसानी से समझ सकेंगे कि उन्होंने कितनी बिजली खपत की है। इंटर परीक्षा के लिए छात्राओं को मिलेगी 4 साल की छूट, जाने किन छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ। बिहार बोर्ड में मैट्रिक की परीक्षा देकर पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं को आगे की पढ़ाई करने के लिए विशेष मौका देने का फैसला लिया है। 2020 में मैट्रिक करने के बाद पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं को 2023 की इंटर परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि 2020 में मैट्रिक करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, अगर वैसे छात्रा चाहें तो स्वतंत्र विद्यार्थी के तौर पर इंटर के 2021-23 सत्र में रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। गौरतलब है कि बिहार सरकार की ओर से मैट्रिक करने के बाद अगर कोई छात्र आगे इंटर में एडमिशन उसी साल नहीं ले पाता है तो उसे दोबारा अगले साल रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जा रहा है। लड़कों के लिए यह 3 साल तक की छूट दी गई है, तो वहीं लड़कियों को यह मौका 4 साल तक के लिए है। बोर्ड के अनुसार 2020 में मैट्रिक पास लगभग 10,000 से अधिक छात्राएं इंटर में एडमिशन नहीं ले पाई थी। बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन की सुविधा कला और वाणिज्य संकाय के लिए दिया है, विज्ञान और अन्य कोर्स के लिए यह सुविधा नहीं दी गई है। यूपी में जीका वायरस का कहर जारी, दिल्ली और बिहार में अलर्ट जारी। एक ओर जहां कोरोना संक्रमण से पूरी दुनिया परेशान है, वहीं एक दूसरी बीमारी जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं, 25 लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हो गई है। जीका वायरस के खतरे को देखते हुए यूपी के साथ साथ दिल्ली और बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। जीका वायरस एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है, जो डेंगू और चिकनगुनिया को फैलाने का काम करता है। यह गर्भवती महिलाओं में ज्यादा फैलता है, जिसके कारण बच्चा अविकसित दिमाग के साथ पैदा हो सकता है। बुखार, जोड़ों में दर्द, आँखों में दर्द, उल्टी होना, यह सब जीका वायरस के लक्षण है। फिलहाल जीका वायरस का कोई इलाज नहीं है, ऐसे लक्षण वाले मरीजों को भरपूर आराम करना चाहिए। यदि तबीयत ज्यादा खराब लगे तो डॉक्टर से जरूर मिलनी चाहिए। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक, बिहार कैबिनेट ने दी मंजूरी। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आगामी 29 नवंबर से शुरू होगा, जो 3 दिसंबर तक चलेगा। नीतीश कैबिनेट ने शीतकालीन सत्र के उपबंध कार्यक्रम में इसको मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव राज्यपाल की सहमति के लिए जाएगा और उसके बाद सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र बेहद छोटा होगा। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक
तक 5 दिनों तक चलेगा। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट ने कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगाई है। सरकार ने बिहार खाद्य सुरक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2021 के गठन के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 में महिला चरखा समिति कदमकुआं पटना में उत्पादन और प्रशिक्षण के लिए भवन निर्माण को भी स्वीकृति दी है। कदमकुआं स्थित महिला चरखा समिति के निर्माण पर सरकार 672 लाख से ज्यादा की राशि खर्च करेगी। बिहार में और बढ़ेगी ठिठुरन, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के असर। बिहार में लोगों ने गुलाबी ठंड का एहसास काफी पहले लेना शुरू कर दिया है और अब आगे आने वाले दिनों में ठिठुरन और ज्यादा बढ़ेगी। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान पहले से और नीचे गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में दिखने लगा है। दीपावली से छठ के बीच तापमान में और गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है। छठ के मौके पर बिहार के लोगों को हल्के ठंड वाले कपड़े पहनने पड़ सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य भर में मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ से लगातार हवाएं बिहार के सभी हिस्से में प्रवेश कर रही हैं। इसके प्रभाव से हवाओं में ठंड के साथ नमी है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी की वजह से आने वाले दिनों में बिहार के सभी हिस्से में दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इसकी वजह से शाम से सुबह तक मौसम सर्द रहेगा। धूप निकलने के साथ ही पारा चढ़ेगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।